हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखिए, एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो सेंटर ऑफ मास से है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्या कह रहा है कि अ रॉड ऑफ मास एम, कैपिटल एम, एंड लेंथ इज कैपिटल एल, इज हिंज्ड एट अ पॉइंट एच and released from rest from horizontal position, है ना, from horizontal position. Find the angular velocity of the rod when rod become vertical. Question का पहले आप मतलब समझे डियर, ये आपकी एक rod थी, ये आपकी एक rod थी और इस rod को इस point पर, इस point H पर, ये कोई point H है, यहां पे इसको हिंज्ड कर दिया गया, यानी यहां पे इसको लॉक कर दिया गया। ओके, ये पॉइंट है आपका H, ठीक है। हाँ, अब क्या किया गया कि इसका जो, अब आपके ना आपको पता है कि इसका मास जो है वो कैपिटल M है और इसकी जो लेंथ है डियर वो है आपकी कैपिटल L। इसको क्या किया गया, यहां से रिलीज कर दिया गया। रिलीज का मतलब यहां से छोड़ा गया। जब डेफिनेट सी बात है, जब इसको छोड़ा गया होगा डियर तो ये आ गया होगा यहां पे, कुछ इस तरीके से आ गया होगा। अब जब ये यहां पे आ गया, इस समय ये पूछा जा रहा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी आप ओमेगा बताइए कितना होगा। क्या वो ओमेगा 3g अपान रूट एल यानी रूट 3g अपान एल होगा, या ये रूट 3g अपान 2l होगा, या रूट 2g अपान 3l होगा, या रूट 2g अपान l होगा, बताइए डियर। मेरे ख्याल से आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और इस क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और आपको इस पर विचार करना चाहिए और फिर आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन की बातें करें। ओके डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी कभी आपको डील करना हो डियर, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए और वो आनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कह लीजिए। तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे कि जब ये पूरा का पूरा रॉड, जब ये पूरा का पूरा रॉड हॉरिजेंटल पोजिशन में है डियर, तो इसका सेंटर ऑफ मास आप जानते ही हैं बीचों बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी एल होगी। तो जब ये रॉड इस पोजीशन में है तो इसके पास दो एनर्जी जो कि आप लगाते हो, क्या, एक तो आप क्या लगाते हो, पोटेंशियल एनर्जी लगाते हो और आप एक लगाते हो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, दो एनर्जी आप लगाते हो और इन्हीं दोनों को आप क्या करते हो, कंजर्व करते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जहां काइनेटिक एनर्जी आप हाफ एम भी स्क्वायर करते हैं, वहां पे चूंकि ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट बन जाता है, इसलिए हम लोग यहां पे इसकी जो वेलोसिटी लेंगे वो एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, यानी यहां पे निकल के आएगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो ओमेगा के टर्म में आएगी। तो चलिए ठीक है डियर, ये बताइए कि यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप बोलोगे भैया यहां से यहां तक की दूरी है कितना, एल है, और इसका जो मास है वो एम है, इसका मतलब ये आएगा एम जी, एच की जगह पे आप एल लिख सकते हो, ओके। प्लस यहां पे ये बताओ डियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एट दिस सिचुएशन योर होल रॉड इज इन स्टेशनरी पोजीशन, दैट्स वाई द काइनेटिक एनर्जी यू कैन से दैट विल बी जीरो इज इक्वल टू, ये बताइए जब ये रॉड फाइनल पोजीशन पे आ गया माय डियर यहां पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, हां नहीं, जीरो नहीं होगी डियर। इस समय इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, L/L/2 पे हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास डियर, कितने पे हो जाएगा, L/2 पे हो जाएगा। ये यहां, सॉरी यहां नहीं लिखना चाहिए था, ये चीज आप यहां पे लिखिए, ये चीज आप यहां पे लिखिए कि इसका जो L है वो कितना है, इसका L यहां से L/2 है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी डियर वो आ जाएगी हाफ एम
जी एच, एच की जगह पे आप एल लिखिए, एच की जगह पे आप एल लिखिए। अच्छा ये हाफ क्यों लगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लेंथ ली जाती है, आपको पता है। अच्छा ये बताइए क्या इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी, क्या इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी? बिल्कुल डियर, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। वो क्या होती है? हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई क्या होता है डियर, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। और एक बात आपको ये पता होगी कि जब कोई भी रॉड हो, रॉड को अगर किनारे पे हिंज किया गया है, किनारे पे अगर उसको फिक्स कर दिया गया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है बताइए? एम आर स्क्वायर बाई कितना? एम आर स्क्वायर बाई थ्री। तो आर का मतलब आप ये लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे डियर? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अब इसको आप इक्वेट करिए, जल्दी से आप इक्वेट करके हमें आंसर बताइए, आंसर बताइए, और हमें फटाफट कमेंट करके बताइए डियर कि क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए। बोलिए, वेरी नाइस। देखिए इधर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एम जी एल इज इक्वल टू हाउ मच डियर? यहां से आप हाफ कॉमन ले सकते हो, M तो M ही रहेगा, G तो G ही रहेगा, L तो L ही रहेगा, I की वैल्यू आप रख दो डियर 1/2। अच्छा ये बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना आता है, बताइए ML कितना आता है? ML स्क्वायर बाई कितना आता है भाई, जब यहां पे होता है ML स्क्वायर बाई 3 आता है, तो ये हो जाएगा आपका ML स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो देखिए यहां से ये आप कैंसिल कर सकते हैं, यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहां से हाफ है, हाफ है, तो इन दोनों हाफ को इधर भेज सकते हैं, 2GL, 2GL बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं डियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पे आप कर सकते हो GL प्लस का क्या, प्लस का L स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो इस GL को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, इधर हो जाएगा GL, क्योंकि भाई एक GL इधर आ गया, तो GL और यहां पे हो जाएगा 3 और ये L स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, L स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, एक L यहां से मर जाएगा, तो हो जाएगा 3G अपान का L अंडर रूट, 3G अपान का L अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए पहली बात तो कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल आपको क्या लगाना था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था बस। यहाँ पे जब ये बॉडी थी आपकी, इसके पास में दो टाइप की एनर्जी होती है डियर, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं थी, दैट्स व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इन दिस सिचुएशन इज जीरो। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही फॉरवर्ड करते चले गए, आराम से आपके कदमों में आंसर आ गया। तो इसका आंसर था डियर कौन सा, रूट 3G अपान एल, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। ओके डियर, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, एक आध क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।